हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिक्योर टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो कैसे, क्योंकि सभी एंड्रॉयड यूज़र आजकल कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जब भी वो किसी को कॉल करते हैं तो उनको एक अलर्ट सुनाई देता है कि नाउ योर कॉल हैज़ बिन रिकॉर्डेड, या अगर आपकी कोई आवाज़ रिकॉर्ड करता है तो आपको भी वो आवाज़ आती है। इसका मतलब आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, या सेकेंड पर्सन को भी पता चल जाता है कि आपकी कॉल कोई रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके सामने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पहले मैं आपको नॉर्मली कॉल दिखा देता हूँ कि जब हम किसी कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास किस टाइप का अलर्ट आता है वो। तो देखिए, मैं किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ पर 1-to-1 पर कॉल किया और इस पर मैं कॉल कर देता हूँ, ये देखिए। तो जब मैं कॉल रिकॉर्ड करूँगा तो एक मुझे अलर्ट सुनाई देगा, आपको भी सुनाई देगा। अभी तो गाइस देखा आपने, एक अलर्ट आया है, नाउ योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। जब हम किसी कॉल रिकॉर्ड करेंगे तो एक अलर्ट आएगा। तो हमें एक ऐसी कॉल रिकॉर्ड करनी है ताकि किसी को पता भी ना चले और हम उसकी कॉल रिकॉर्ड भी कर लें। अगर अब उसको पता चलता है तो गाइस कॉल रिकॉर्ड का फायदा ही क्या होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई अभी। तो इसके लिए हमें सिंपली बहुत ज्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं करना, सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी है। उस ऐप का नाम है ट्रूफोन। ये देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। प्ले स्टोर से हम उसके डाउनलोड करेंगे और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा ट्रूफोन, ये देखिए ये वाली ऐप है। कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं कि वो पहले से ऐप डाउनलोड करके रखते हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ परमिशन दे देते हैं जो अपने यूजर को दिखाना नहीं चाहते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पर मैं आपको स्टार्टिंग से पूरी वीडियो दिखाऊंगा। तो देखिए, हम पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल हो रही है। तो गाइस ये ऐप बिल्कुल सिक्योर्ड है, आप इसमें से आपका डेटा कहीं भी लीक नहीं होगा। अगर आप, हमारी ऐप डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा सामने। तो यहां पर सबसे पहले इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखिए, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग। उसके बाद डिफॉल्ट फोन ऐप, अगर आप अपने फोन की डिफॉल्ट ऐप बनाना चाहते हैं तो इसे सेट करें तो हमें सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसे सेट कर देंगे, ये देखिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, फोन डिफॉल्ट या ट्रू फोन। तो हमें अब इससे कॉल करनी है, ट्रू फोन से। तो ट्रू फोन को सिलेक्ट कर देंगे और सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे, सेट एज डिफॉल्ट। तो ये हम जितनी भी कॉल करेंगे अब इसी ऐप से कॉल होगी। परमिशन सेट कर देंगे यहाँ से, इसे अलाउ कर देंगे। ये देखिए, अलाउ ट्रू फोन एक्सेस फोटोज मीडिया, ये सब चीज़ें एक्सेस लेगा आपका। तो नो इशू, आप गाइस इसे दे सकते हैं, बिल्कुल सिक्योर्ड ऐप है। उसके बाद सेट कर देंगे यहाँ पर, परमिशन दे देंगे इसको ऐप की। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगी सेटिंग में, कौन से मशीन में मिलेगी, डिस्प्ले ऑनर अदर एप्स में, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रू फोन वाला हम इसको इनेबल कर देंगे। तो ये गाइस इनेबल हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारी फोन बुक थी मेन, ये वाली, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा सेट एज डिफॉल्ट। अब हमने एक ऐप इंस्टॉल की थी जिसका नाम था ट्रू फोन, तो ये आपको यहाँ दिख जाएगी। ये देखिए गाइज, हमारे पास दो आइकन आ चुके हैं, फोन और कॉन्टेक्ट, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ओके। तो जैसे ही मैं फोन पे क्लिक करूंगा तो हमारे सारे नंबर आ जाएंगे, ये देखिए आप, ओके, और हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट पूरी यहाँ आ जाएगी। अब इस कंडीशन पे आप किसी को भी कॉल करते हैं तो आपकी कॉल, आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेकंड पर्सन को पता भी नहीं चलेगा कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैं फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता हूँ। मैंने 1-to-1 क्लिक किया, इसको क्लिक करूँगा, यस कर देंगे। मैं स्पीकर कर देता हूँ ताकि आपको भी आवाज आ जाए। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं आप, अभी रिकॉर्डिंग का कोई भी टैब नहीं आ रहा, तो हमें पहले रिकॉर्डिंग का टैब ऑन करना पड़ेगा, ओके। तो हम कैसे करेंगे, तो गाइस यहाँ पर आप फोन पर आएंगे और यहाँ पर ये, यहाँ पर 3 डॉट देख रहे हैं आप, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे इसको क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आएगी सेटिंग, सेटिंग पर आएंगे। सेटिंग पर आने के बाद
आपको यहाँ मिलेगा इनकमिंग आउटगोइंग कॉल, यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नीचे थोड़ा सा आएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग, ये देख सकते हैं आप कॉल रिकॉर्डिंग, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इनेबल कॉल, इनेबल कॉल रिकॉर्डिंग, इसको आप इनेबल कर देंगे यहाँ से तो ये कॉल इनेबल हो जाएगी, ये देखिए ओके कर देंगे। अब आपका जो वहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब वो भी ऑप्शन आपका आने लगेगा, ये देखिए आप, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ गाइज, इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं फ़ोन पर आऊँगा, उसके बाद मैंने हेल्पलाइन नंबर ये डायल किया हुआ है, इसको क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड का फंक्शन आने लगा है, मैं इसको स्पीकर पे कर देता हूँ। अब मैं अगर रिकॉर्ड का बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे वो अलर्ट सुनाई नहीं देगा, ना सेकंड पर्सन को सुनाई देगा। कर देता हूँ पहले, जैसे आप रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पर आपको एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, ये देखिए एसेसिबिलिटी सर्विस का, इसे आप ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करें तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करके नीचे आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर ट्रूफोन कर देंगे, इसको ट्रूफोन को इनेबल कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके तो गाइस अभी कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाई, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए देखिए गाइज, मैं इस वाले बटन को प्रेस कर रहा हूँ, कॉल रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम हमारे की, तो कोई भी अलर्ट नहीं आ रहा, कोई भी आपको वॉइस मैसेज नहीं आ रहा, नाउ योर कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इस टाइप का कोई भी आपको अलर्ट सुनाई नहीं देगा। तो गाइज आप भी इजीली इस ऐप का यूज़ करके उस अलर्ट को हटा सकते हैं। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, बहुत ही सिक्योर्ड है। तो गाइज मैं पहले कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज वीडियो कैसी लगी आपको जानने का वेट करूंगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी आपको मिस्टेक लगती है, तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मैं अपनी वीडियो में थोड़ा इंप्रूवमेंट करूंगा। और गाइज नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे ये भी बताएं। तो गाइज मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।